संदेह, लेखक जयशंकर प्रसाद। रामनिहाल अपना बिखरा हुआ सामान बांधने में लगा। जंगले में धूप आकर उसके छोटे से शीशे पर तड़प रही थी। अपना उज्जवल आलोक खंड व छोटा सा दर्पण बुद्ध की प्रतिमा को अर्पण कर रहा था, किंतु प्रतिमा ध्यानमग्न थी। उसकी आंखें धूप से चौंधियाती न थी। प्रतिमा का शांत गंभीर मुख और भी प्रसन्न हो रहा था, किंतु रामनिहाल उधर देखता न था। उसके हाथों में था एक कागजों का बंडल, जिसे संदूक में रखने से पहले वह खोलना चाहता था। पढ़ने की इच्छा थी, फिर भी न जाने क्यों हिचक रहा था और अपने को मना कर रहा था, जैसे किसी भयानक वस्तु से बचने के लिए कोई बालक को रोकता हो। बंडल तो रख दिया, पर दूसरा बड़ा सा लिफाफा खोल ही डाला। एक चित्र उसके हाथों में था और आंखों में आंसू थे। कमरे में अब दो प्रतिमाएं थी, बुद्धदेव अपनी विराग महिमा में निमग्न, रामनिहाल राग शैल सा अचल, जिसमें से हृदय का द्रव आंसुओं की निझरनी बनकर धीरे धीरे बह रहा था। किशोरी ने आकर हल्ला मचा दिया। भाभी, अरे भाभी, देखा नहीं तूने ना, निहाल बाबू रो रहे हैं। अरे तू चल भी। श्यामा वहां आकर खड़ी हो गई। उसके आने पर भी रामनिहाल उसी भाव में विस्मृत सा अपनी करुणा धारा बहा रहा था। श्यामा ने कहा, निहाल बाबू। निहाल ने आंखें खोलकर कहा, क्या है? अरे मुझे क्षमा कीजिए। फिर आंसू पोंछने लगा। बात क्या है, कुछ सुनो भी। तुम क्यों जाने के समय ऐसे दुखी हो रहे हो? क्या हम लोगों से कुछ अपराध हुआ? तुमसे अपराध होगा, यह क्या कह रही हो? मैं रोता हूं उसमें मेरी ही भूल है। प्रायश्चित करने का यह ढंग ठीक नहीं, यह मैं धीरे धीरे समझ रहा हूं, किंतु करूं क्या, यह मन नहीं मानता। श्यामा जैसे सावधान हो गई। उसने पीछे फिरकर देखा तो किशोरी खड़ी है। श्यामा ने कहा, जा बेटी, कपड़े धूप में फैले हैं, वहीं बैठ। किशोरी चली गई। अब जैसे सुनने के लिए प्रस्तुत होकर श्यामा एक चटाई खींचकर बैठ गई। उसके सामने छोटी सी बुद्ध प्रतिमा सागवान की सुंदर मेज पर धूप के प्रतिबिंब में हंस रही थी। रामनिहाल कहने लगा, श्यामा, तुम्हारा कठोर व्रत, वैधव्य का आदर्श देखकर मेरे हृदय में विश्वास हुआ कि मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है, किंतु तुम्हारा अवलंब बड़ा दृढ़ है। तुम्हारे सामने बालकों का झुंड हंसता खेलता लड़ता झगड़ता है, और तुमने जैसे बहुत सी देव प्रतिमाएं श्रृंगार से सजाकर हृदय की कोठरी को मंदिर बना दिया, किंतु मुझको वह कहाँ मिलता? भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में छोटा मोटा व्यवसाय, नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब तुम्हारे घर में आया, तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया। मैं जब से संसार को जानने लगा, तभी से मैं ग्रहहीन था। मेरा संदूक और ये थोड़े से सामान, जो मेरे उत्तराधिकार का अंश था, अपनी पीठ पर लादे हुए घूमता है, ठीक उसी तरह जैसे कंजर अपनी गृहस्थी टट्टू पर लादे हुए घूमता है। मैं चतुर था, इतना चतुर जितना मनुष्य को न होना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है। मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे उन्नतिशील विचार मुझे बराबर दौड़ाते रहे। मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहा, यह भी मेरा पेट भर देता था। कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता कि यह दाव बैठा कि मैं अपने आप पर विजयी हुआ, और मैं सुखी होकर संतुष्ट होकर चैन से संसार के एक कोने में बैठ जाऊंगा, किंतु वह मृग मरीचिका थी। मैं अब तक जिनके यहाँ नौकरी करता रहा, वे लोग बड़े ही सुशिक्षित और सज्जन हैं, मुझे मानते भी बहुत है। तुम्हारे यहाँ घर का सा सुख है, किंतु यह सब मुझे छोड़ना पड़ेगा ही। इतना कहकर
राम निहाल चुप हो गया। तो तुम काम की एक बात ना कहोगे, व्यर्थ ही इतनी। श्यामा और कुछ कहना चाहती थी कि उसे रोककर राम निहाल कहने लगा, मैं तुमको अपना शुभचिंतक, मित्र और रक्षक समझता हूँ, फिर तुमसे ना कहूंगा तो यह भार कब तक ढोता रहूंगा। यह चैत है ना? हाँ ठीक, कार्तिक की पूर्णिमा थी। मैं कामकाज से छुट्टी पाकर संध्या की शोभा देखने के लिए दशाश्वमेघ घाट पर जाने के लिए तैयार था कि ब्रजकिशोर बाबू ने कहा, तुम तो गंगा किनारे टहलने जाते ही हो, आज मेरे एक संबंधी आ गए हैं, इन्हें भी एक बजरे पर बैठाकर घुमाते आओ, मुझे आज छुट्टी नहीं है। मैंने स्वीकार कर लिया। ऑफिस में बैठा रहा। थोड़ी देर में भीतर से एक पुरुष के साथ एक सुंदरी निकली और मैं समझ गया कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ जाना होगा। ब्रजकिशोर बाबू ने कहा, मान मंदिर घाट पर बजरा ठीक है, निहाल आपके साथ जा रहा है, कोई असुविधा न होगी, इस समय मुझे क्षमा कीजिए, आवश्यक काम है। पुरुष के मुंह पर की रेखाएं कुछ तन गई। स्त्री ने कहा, अच्छा है, आप काम कीजिए, हम लोग तब तक घूम आते हैं। हम लोग मान मंदिर पहुंचे। बजरे की चांदनी बिछी थी। पुरुष मोहन बाबू जाकर ऊपर बैठ गए। पैड़ी लगी थी। मनोरमा को चढ़ने में जैसे डर लग रहा था। मैं बजरे के कोने में खड़ा था। हाथ बढ़ाकर मैंने कहा, आप चले आइए, कोई डर नहीं। उसने हाथ पकड़ लिया। ऊपर आते ही मेरे कान में धीरे से उसने कहा, मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं, कुछ कुछ है भी, तनिक सावधान रहिएगा, नाव की बात है। मैंने कह दिया, कोई चिंता नहीं। किंतु ऊपर जाकर बैठ जाने पर भी मेरे कानों के समीप उस सुंदर मुख का सुरभित निश्वास अपनी अनुभूति दे रहा था। मैंने मन को शांत किया। चांदनी निकल आई थी। घाट पर आकाशदीप जल रहे थे और गंगा की धारा में छोटे छोटे दीपक बहते हुए दिखाई देते थे। मोहन बाबू की बड़ी बड़ी गोल आंखें और भी फैल गई। उन्होंने कहा, मनोरमा देखो, इस दीपदान का क्या अर्थ है, तुम समझती हो? गंगा जी की पूजा, और क्या? मनोरमा ने कहा, यही तो मेरा और तुम्हारा मतभेद है। जीवन के लघु दीप को अनंत की धारा में बहा देने का यह संकेत है। आह, कितनी सुंदर कल्पना, कहकर मोहन बाबू जैसे उच्छ्वसित हो उठे। उनकी शारीरिक चेतना मानसिक अनुभूति से मिलकर उत्तेजित हो उठी। मनोरमा ने मेरे कानों में धीरे से कहा, देखा ना आपने? मैं चकित हो रहा था। बजरा पंचगंगा घाट के समीप पहुंच गया था। तब हंसते हुए मनोरमा ने अपने पति से कहा, और यह बांसों में जो टंगे हुए दीपक है, इन्हें आप क्या कहेंगे? तुरंत ही मोहन बाबू ने कहा, आकाश भी असीम है, जीवन दीप को उसी ओर जाने के लिए यह भी संकेत है। फिर हांफते हुए उन्होंने कहना आरंभ किया, तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया है, मैं यह जानता हूं। ओह, संसार की विश्वासघात की ठोकरों ने मेरे हृदय को विक्षिप्त बना दिया है, मुझे उससे विमुख कर दिया है। किसी ने मेरे मानसिक विप्लवों में मुझे सहायता नहीं दी, मैं ही सबके लिए मरा करूं। अब मैं यह नहीं सह सकता, मुझे अकपट प्यार की आवश्यकता है, जीवन में वह कभी नहीं मिला। तुमने भी मनोरमा, तुमने भी मुझे। मनोरमा घबरा उठी। उसने कहा, चुप रहिए, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, शांत हो जाइए। क्यों शांत हो जाऊं? राम निहाल को देखकर चुप रहूं? वह जान जाए, इसमें मुझे कोई भय नहीं। तुम लोग छिपाकर सत्य को छलना क्यों बनाती हो? मोहन बाबू के श्वासों की गति तीव्र हो उठी। मनोरमा ने हताश भाव से मेरी ओर देखा। वह चांदनी रात में विशुद्ध प्रतिमासी निश्चेष्ट हो रही थी। मैंने सावधान होकर कहा, मांझी अब घुमा चलो। कार्तिक की रात चांदनी से शीतल हो चली थी।
नाव मान मंदिर की ओर घूम चली। मैं मोहन बाबू के मनोविकार के संबंध में सोच रहा था। कुछ देर चुप रहने के बाद मोहन बाबू फिर अपने आप कहने लगे, ब्रज किशोर को मैं पहचानता हूं मनोरमा, उसने तुम्हारे साथ मिलकर जो षड्यंत्र रचा है, मुझे पागल देने का जो उपाय हो रहा है, उसे मैं समझ रहा हूं। तो ओह, आप चुप ना रहेंगे? मैं कहती हूं, यह व्यर्थ का संदेह आप मन से निकाल दीजिए या मेरे लिए संख्या मंगा दीजिए, छुट्टी हो। स्वस्थ होकर बड़ी कोमलता से मोहन बाबू ने कहा, तुम्हारा अपमान होता है, सबके सामने मुझे यह बातें न कहनी चाहिए, यह मेरा अपराध है, मुझे क्षमा करो मनोरमा। सचमुच मनोरमा के कोमल चरण मोहन बाबू के हाथ में थे। वह पैर छुड़ाती हुई पीछे सिरकी, मेरे शरीर से उसका स्पर्श हो गया। वह क्षुब्ध और संकोच में उबचुप रमणी जैसे किसी का आश्रय पाने के लिए व्याकुल हो गई थी। मनोरमा ने दीनता से मेरी ओर देखते हुए कहा, आप देखते हैं ना? सचमुच मैं देख रहा था। गंगा की घोर धारा पर बजरा फिसल रहा था, नक्षत्र बिखर रहे थे और एक सुंदर युवती मेरा आश्रय खोज रही थी। अपनी सब लज्जा और अपमान लेकर वह दुर्वह संदेह भार से पीड़ित स्त्री जब कहती थी कि आप देखते हैं ना, तब मानो मुझसे प्रार्थना करती थी कि कुछ मत देखो, मेरा व्यंग्य उपहास देखने की वस्तु नहीं है। मैं चुप था। घाट पर बजरा लगा, फिर वह युवती मेरा हाथ पकड़कर पैड़ी पर से संभलती हुई उतरी और मैंने एक बार न जाने क्यों दृष्टता से मन में सोचा कि मैं धन्य हूं। मोहन बाबू ऊपर चढ़ने लगे, मैं मनोरमा के पीछे पीछे था। अपने पर भारी बोझ डालकर धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। उसने धीरे से मुझसे कहा, रामनिहाल जी, मेरी विपत्ति में आप सहायता ना कीजिएगा। मैं अवाक था। श्यामा ने एक बार गहरी दृष्टि से रामनिहाल को देखा, वह चुप हो गया। श्यामा ने आज्ञा भरे स्वर में कहा, आगे और भी कुछ है या बस? रामनिहाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, और भी कुछ है, वही कहो ना। कहता हूं। मुझे धीरे धीरे मालूम हुआ कि ब्रजकिशोर बाबू यह चाहते थे कि मोहनलाल अदालत से पागल मान लिए जाए और ब्रजकिशोर उनकी संपत्ति के प्रबंधक बना दिए जाए, क्योंकि वे ही मोहनलाल के निकट के संबंधी थे। भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है, किंतु संसार तो दूसरों को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर चल रहा है। मोहन अपने संदेह के कारण पूरा पागल बन गया है। तुम जो यह चिट्ठियों का बंडल देख रही हो, वो मनोरमा का है। रामनिहाल फिर रुक गया। श्यामा ने फिर तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा। रामनिहाल कहने लगा, तुमको भी संदेह हो रहा है, सो ठीक ही है, मुझे भी कुछ संदेह हो रहा है। मनोरमा क्यों मुझे इस समय बुला रही है? अब श्यामा ने हंसकर कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मनोरमा तुमको प्यार करती है और वो दुष्चरित्रा है? छी रामनिहाल, यह तुम क्यों सोच रहे हो? देखूं तो हाथ में यह कौन सा चित्र है, क्या मनोरमा का है? कहते कहते श्यामा ने रामनिहाल के हाथ से चित्र ले लिया। उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, अरे, यह तो मेरा ही है, तो क्या तुम मुझसे प्रेम करने का लड़कपन करते हो? यह अच्छी फांसी लगी है तुमको, मनोरमा तुमको प्यार करती है और तुम मुझको। मन के विनोद के लिए तुमने अच्छा साधन जुटाया है। तभी कायरों की तरह यहां से बोरिया बंधना लेकर भागने की तैयारी कर ली है। रामनिहाल हत बुद्धि अपराधी सा श्यामा को देखने लगा, जैसे उसे कहीं भागने की राह ना हो। श्यामा दृढ़ स्वर में कहने लगी, निहाल बाबू, प्यार करना बड़ा कठिन है, तुम इस खेल को नहीं जानते, इसके चक्कर में पढ़ना भी मत। हाँ, एक दुखिया स्त्री तुमको अपनी सहायता के लिए बुला रही है, जाओ उसकी सहायता करके लौट आओ, तुम्हारा सामान यहीं रहेगा, तुमको अभी यहीं रहना होगा,
समझे? अभी तुमको मेरी संरक्षता की आवश्यकता है। उठो, नहा धो लो, जो ट्रेन मिले उससे पटना जाकर ब्रजकिशोर की चालाकियों से मनोरमा की रक्षा करो और फिर मेरे यहाँ चले आना। यह सब तुम्हारा भ्रम था, संदेह था। राम निहाल धीरे से उठकर नहाने चला गया।